दोबारा समझा रही हूँ बेटा मैं आप लोगों को। डेकोरेटिंग, आपके पास टॉपिक है टुडे डेकोरेटिंग टॉपिक, पेज नंबर 14। सिंपल, आपको अपनी ड्राइंग की बुक में पेज नंबर 14 जो है वो कलर करना है, जिसमें सिर्फ आपको कलर पेंसिल इस्तेमाल करना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए बेटा, ये आपके पास डेकोरेटिंग पेज नंबर 14 है। इस पे आपको सिंपल अपने कलर करने हैं, आपकी चॉइस है, आप कोई सा भी कलर कीजिए इसमें। बस इस बात का ख्याल रखिएगा कि डिफरेंट कलर कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को पता है मॉस्कियों में किस तरीके से कलरफुल मॉस्क होते हैं, डिफरेंट कलर्स के होते हैं। मेहराब और गुम्बद का ख्याल रखिएगा। विंडो और डोर में, विंडो में ब्लू कलर कीजिएगा, डोर में जो है वो ब्राउन कलर कीजिएगा। इसके अलावा गुम्बद को व्हाइट रहने दीजिएगा, बाकी आप कलर जो है वो येलो और ब्लू शेड्स में कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका आज का मेन टॉपिक सिंपल बॉक्स है बेटा। पेज नंबर 15 पे आपके पास बॉक्स रेडी करना है, ये पेपर वर्क है। लेकिन बेटा, ड्यूरिंग द ऑनलाइन क्लासेस जो पेपर वर्क है वो आपके फ्री हैंड ड्राइंग में चेंज हो गया, ठीक है ना। और इसमें सिर्फ आपको पेंसिल, कलर पेंसिल और रूलर इस्तेमाल करना है। ठीक है, आपको 10 सेंटीमीटर का बॉक्स ड्रॉ करना है। 10 सेंटीमीटर का बॉक्स, ऑल साइज इक्वल होने चाहिए, ठीक है। और बॉक्स को आपको, यानी कि ये स्क्वायर बॉक्स जो है आपको विंडो में कन्वर्ट करना है। ड्रॉ स्क्वायर बॉक्स 10 सेंटीमीटर, तमाम साइज जो है इसके इक्वल होंगे, ठीक है। यहाँ देखिए पेज नंबर 14 पे आपके पास सिंपल बॉक्स, इन्होंने 7 सेंटीमीटर का बॉक्स रेडी किया है, लेकिन हम 10 सेंटीमीटर का, क्योंकि ये आपके कॉपी के पेज पे पूरा कवर करेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए इन्होंने कलरफुल बॉक्स ड्रॉ किया हुआ है। ये मैंने आपको बॉक्स की पिक्चर्स दिखाई है, ठीक है। स्केल उठाइए, 10 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कीजिए, ठीक है। उसके बाद उसी के नीचे एक और लाइन ड्रॉ कीजिए, और उसके 4 लाइन से उसको क्लोजअप कीजिए, ठीक है। आपके पास स्क्वायर बॉक्स, यानी कि इसकी 4 साइड जो, ये फर्स्ट साइड 10 सेंटीमीटर, यहाँ पे भी आपके पास 10 सेंटीमीटर आएगा क्लास 2। इसके बाद भी आपके पास ये वाली लाइन भी 10 सेंटीमीटर की है, और फ्रंट साइड की लाइन भी जो है वो 10 सेंटीमीटर की, ठीक है बेटा। देखिए स्क्वायर में कितनी कितनी चीजें होती हैं, विंडो भी स्क्वायर शेप में होता है, कैरम भी स्क्वायर शेप में, आपके पास जो स्लेट्स होते हैं वो भी स्क्वायर, ब्रेड जो आप खाती हैं वो ब्रेड भी स्क्वायर शेप में होता है, ठीक है ना। आइस क्यूब भी स्क्वायर शेप में होता है, बहुत सारी चीजें स्क्वायर शेप में होती हैं। अब आप उस स्क्वायर शेप को आप विंडो में भी चेंज कर सकते हो। विंडो में अगर चेंज करेंगे तो आपको उसको बॉर्डर जो है वो आपको ब्राउन कलर में करने होंगे, और सेंटर में आप ब्राउन कलर से उसको मार्क कर देंगे स्केल के जरिए, वो विंडो में चेंज हो जाएगा, ब्लू कलर कर दीजिएगा, ठीक है ना। स्क्वायर शेप में देखिए कितनी सारी चीजें हैं आपके पास, आइस क्यूब, स्लेट, कैरम, ब्रेड, विंडो। ओके, अल्लाह हाफिज़।